From today onwards, we will start teaching discrete mathematics. So this particular lecture is devoted towards understanding the importance of discrete mathematics and what are the topics that will be covered in this particular course. Now, before we discuss about discrete mathematics, हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड कि भाई इसका एप्लीकेशन कैसे डिवाइड होता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, तो अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं सो देर आर डिफरेंट डिस्टिंक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स में ब्रॉडली यहाँ पे मैं जो डिस्टिंक्शन बताने वाला हूँ दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट continuous mathematics and second is in the form of discrete mathematics. Now if somebody asks you what is the meaning of continuous mathematics, you can suggest that it actually deals with all the structures which can range in value over the real numbers. Also, it have non-separable. Now this is a very important term to form the distinction between continuous mathematics and discrete mathematics. Wo kya hai? Ki, and also have some non-separable quality. ठीक है, तो अगर कोई आपको बहुत लेमन फॉर्म में पूछे भाई कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स को कैसे समझना चाहिए, तो एक्चुअली कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स अगर मैं इसको सी एम से यहाँ पर सिंबलाइज करता हूँ, एब्रिविएट करता हूँ, सो अब आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि जो कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स है इट इज एक्चुअली मॉडल्ड बाय इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस. अब इससे क्या समझ में आया कि जो भी हम लोग इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करते हैं और उसका आपने देखा होगा भाई आप क्या करते हो कि इंटीग्रेशन फ्रॉम सम वैल्यू एन वन टू सम वैल्यू एन टू एंड देन इन बिटवीन यू राइट सम एक्स डी एक्स. सो बेसिकली व्हाट वी आर रेफरिंग टू हियर इज कि जो भी इंटीग्रल या डिफरेंशियल कैलकुलस रिलेटेड मॉडलिंग होती है वो एक्चुअली पार्ट है कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स की. ठीक है, तो हम लोग जब इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस की का यूज़ करके मॉडलिंग करते हैं सो व्हाट इज़ अवर एम्फेसिस, तो अवर एम्फेसिस इज ऑन कंटिन्यूअसली वेरिंग प्रोसेसेस. ठीक है, और अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझें तो इसका जो एप्लीकेशन है बहुत सारे एप्लीकेशन से मैं कुछ नाम बता देता हूँ. इसका एप्लीकेशन कैलकुलस में है ना, इसका एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स में है. ठीक है, और इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में है. ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहता हूँ कि भाई एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है आपकी मशीन लर्निंग इसका यूज़ करती है. फाइन, सेकेंड इसका एप्लीकेशन और कहाँ पे है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में है. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन है जो इसका यूज़ करता है. देन यू ऑल्सो हैव अ फील्ड कॉल्ड डेटा माइनिंग. ठीक है, तो डेटा माइनिंग में इसका एप्लीकेशन है. ऑल्सो इसका एप्लीकेशन कहाँ है, ग्राफ थ्योरी में इसका एप्लीकेशन है. सो मैनी सच एप्लीकेशंस आर देयर जो कंटिन्यूस मैथमेटिक्स का यूज़ करती है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो ये तो क्या हो गया, ये आपका हो गया कंटिन्यूस मैथमेटिक्स. सिमिलरली वी शुड एक्चुअली नो अबाउट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड दैट इज द कोर्स विच वी आर एक्चुअली गोइंग टू
लर्न, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है, तो आपका एक्चुअली रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इट इज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर काउंटेबल। अब ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को डिफाइन करते हैं कि दैट आर काउंटेबल और अदरवाइज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। अब आपको याद होगा मैंने जब आपको कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स बताया तो उस समय क्या समझाया कि कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स उन स्ट्रक्चर्स के साथ डील करता है जिनका रेंज जो है ओवर सर्टेन वैल्यूज आप जो है जो वैल्यूज क्या होने चाहिए रियल नंबर्स होने चाहिए ओवर सर्टेन रेंज आप जो है कैलकुलेट करते हो। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन सेपरेबल होना चाहिए। हाउएवर इन द केस ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स इज देयर विच आर काउंटेबल एंड अदरवाइज दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल। अब ये जो मैं यहाँ पे टर्म आपको बता रहा हूँ ना कौन सा टर्म जब मैं यहाँ पे कहता हूँ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स तो बिकॉज ऑफ दिस टर्म डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप देखोगे कभी कभी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो कई कोर्सेज ऐसे आपको मिलेंगे कई यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में इसको किया जाता है कोर्स ऑफर किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि योर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना इसको हम लोग क्या बता दिया हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स बता दिया, ठीक है। अगर मैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स को डीएस से रिप्रेजेंट करता हूं तो यहां पे डीएस जो है उसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको कैसे क्वालिफाई क्वांटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि योर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई आपका एप्लीकेशन क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ओके तो एप्लीकेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का किसके फॉर्म में होता है? सो देर आर सो मैनी एप्लीकेशंस जैसे इसका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। इसका यूज किस में होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट SPM में इसका यूज होता है। देन इसका सबसे बड़ा रोल जो है वो है क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है। जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स बनी हुई हैं सिक्योरिटी के लिए जिसमें आप जो है एनक्रिप्ट करते हैं डिक्रिप्ट करते हैं अपने कोड्स को उसमें इसका यूज होता है। देन इट हैज़ अ वेरी बिग एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एल्गोरिदम्स, ठीक है। एल्गोरिदम्स की एनालिसिस में इसका यूज हो सकता है। फिर वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क्स में इसका बहुत बड़ा यूज है। देन सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क्स और उसके मैनेजमेंट में है ना मैनेजमेंट में इसका यूज होता है। उसके बाद आपके वेब सर्च में इसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली गूगल मैप के ऑपरेशन में इसका यूज है, ठीक है। गूगल मैप के ऑपरेशन में इसका यूज है। सिमिलरली आर्कियोलॉजी में इसका बहुत बड़ा यूज है। अब आर्कियोलॉजी में क्या है? तो इफ यू सी 3D इमेजेस रेंडरिंग है ना, सो बेसिकली व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज DIP डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, इसमें इसका बहुत बड़ा यूज है। तो आर्कियोलॉजिकल मॉडलिंग में इसका यूज है। सिमिलरली पावर ग्रिड में इसका एप्लीकेशन होता है। सिमिलरली रडार एंड सोनार सिस्टम्स में इसका यूज होता है एंड सो ऑन। देर आर सो मैनी एप्लीकेशंस जहाँ पे हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक्चुअली यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स फाइनाइट हो सकते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई जो हमारे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअली जब स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो हियर इन आई वुड लाइक टू मेंशन ये स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि एक है कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे क्या हो गया? ग्राफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली वी हैव लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स
ठीक है, एंड सो ऑन देयर. सो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं इनका यूज करके, एंड दी स्ट्रक्चर्स में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, और इनका यूज करके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यू स्टडी अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, एंड उन टॉपिक्स का एप्लीकेशन जो है मैंने अभी आपको बताया. तो अभी हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअली विच आर दोज टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. ठीक है, एंड वी विल सी दीज टॉपिक्स वेरी यू नो सीक्वेंशियली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड अप्लाई इट एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इन योर रिस्पेक्टिव डोमेन्स. तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पहला टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, सेकेंड है आपका बुलियन अलजेब्रा, देन थर्ड टॉपिक इज सेट थ्योरी, देन एसोसिएटेड विथ सेट थ्योरी यू हैव रिलेशंस एंड फंक्शंस, देन सिमिलरली यू हैव अनदर टॉपिक दैट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स, इसी में हम लोग जो है ग्रुप मोनोइड ग्रुपोइड एंड सो मेनी थिंग्स वी विल स्टडी, एंड दीज आर एक्चुअली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर एडवांस टॉपिक्स, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड विद एंड अप्लाई दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना. देन सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर है ग्राफ, तो ग्राफ थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें. एंड फाइनली वी विल लुक इन टू, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर और बताया है कॉम्बिनेशंस, तो आपका जो है कॉम्बिनेटोरिक्स वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग ये छः टॉपिक पढ़ेंगे और इनके डिफरेंट लेमास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे. ओके, हम ये कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ए टू जेड अच्छे से समझ में आ जाए, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको प्रॉब्लम स्पेसिफिक बनाएं, ताकि क्या होगा कि हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली ग्रास्प द कंसेप्ट क्लियरली. ठीक है, सो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. हैव अ नाइस डे.